नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस ट्वीट। गाइज, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने जीमेल अकाउंट से जो गूगल ड्राइव यूज करते हैं उसको आप अपने कंप्यूटर में एज ए लोकल ड्राइव कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है तो आप गूगल ड्राइव का यूज ज्यादा करते होंगे, उस पर कोई ना कोई फाइल्स रखते होंगे जिनको आप शेयर करने के लिए या फिर एक्सेस करने के लिए रखते होंगे, तो जस्ट आप उसको अपने कंप्यूटर में एक फिजिकल लोकल ड्राइव की तरह यूज कर सकते हैं। आप डायरेक्ट उस पर डबल क्लिक करके अपना गूगल ड्राइव एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, चलिए बताता हूं मैं आपको। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको गूगल ड्राइव के जो ऐप है वो आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करनी होगी। तो इसके लिए आप ब्राउजर में जाएंगे और यहां पर आप ब्राउजर में टाइप करेंगे गूगल ड्राइव, डाउनलोड गूगल ड्राइव ऐप। ठीक है, ये विंडोज के लिए ऐप है अलग से जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल की वेबसाइट पे जाएंगे, देन यहां पे आपके पास ऑप्शन आएगा डाउनलोड ड्राइव फॉर डेस्कटॉप। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे, देन मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं अपने डेस्कटॉप पे फिलहाल। इस सेटअप को लगभग 270 MB के समथिंग ये सेटअप है। ठीक है, 277 MB, ठीक है, बहुत तेजी से आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, डिपेंड्स ऑन योर नेटवर्क स्पीड। तो यहां पे आप देख सकते हैं सेटअप यहां पे आ गया है, जस्ट आपको इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। मैं डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेता हूं। ठीक है, इंस्टॉल करता हूं और यहां पे इंस्टॉल करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, ऐड एन एप्लीकेशन शॉर्टकट टू योर डेस्कटॉप, या फिर आप चाहते हैं शॉर्टकट टू गूगल डॉक्स शीट एंड स्लाइड्स। तो मैं सिर्फ गूगल ड्राइव का शॉर्टकट चाहता हूं, इसलिए मैं यहां पे इस पे क्लिक करूंगा, इंस्टॉल करता हूं। इंस्टॉल बहुत तेजी से हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इंस्टॉल कर रहे हो गूगल ड्राइव की एप्लीकेशन या फिर यूज कर रहे हो तो इंटरनेट से आपका सिस्टम कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि एक तरीके की क्लाउड स्टोरेज सर्विस है। ठीक है, तो यहां पे इंस्टॉल हो गया है और इंस्टॉल होते ही यहां पर आपसे कह रहा है साइन इन विद ब्राउजर। ठीक है, तो ब्राउजर से आप अपनी गूगल ड्राइव एप्लीकेशन में साइन इन कर लेंगे जिससे कि ये कनेक्ट हो जाए आपके जीमेल अकाउंट के साथ। तो साइन इन ब्राउजर पे क्लिक करेंगे, देन यहां पर आप अपनी उस ईमेल आईडी से यहां पर लॉग इन करेंगे जो आप यूज करना चाहते हैं। तो मैं यहां पर अपनी इस ईमेल आईडी का यूज दे रहा हूं जो पहले से लॉग इन है, जस्ट मैंने इस पे क्लिक किया और साइन इन पे क्लिक कर दिया। तो आपको जस्ट अपनी ईमेल आईडी से साइन इन करना है। साइन इन हो गया है, सक्सेस हो गया है यहां पे और राइट का निशान आ गया, दैट मीन की कनेक्ट हो गई हमारी ऐप। देन जस्ट आप क्लोज पे क्लिक कर देंगे। क्लोज करने के बाद सेटअप को मैं जरा थोड़ा साइड कर देता हूं और ये मेरी गूगल ड्राइव ऐप तो यहां पे इंस्टॉल होकर शॉर्टकट आ गया है। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर नीचे क्विक लॉन्च टूल बार में आपकी गूगल ड्राइव ऐप आ गई जिसपे आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी जो ऐप है वो आपके नेटवर्क से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है, इस पर आपको जस्ट क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे आ रही है और कितना आप उसमें से स्पेस यूज कर रहे हैं या फिर कंज्यूम कर चुके हैं वो यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि अब जीमेल का जो गूगल ड्राइव का जो स्पेस है आपकी एक जीमेल से जो स्पेस है वो लिमिटेड कर दिया गया है 15 GB। तो यहाँ पर आपके पास वो स्पेस यहाँ पे शो कर रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ पर इस सेटिंग के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप प्रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे। प्रेफरेंसेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आएगा ऊपर। ठीक है, देन यहाँ पर आप देखेंगे गूगल ड्राइव स्ट्रीमिंग लोकेशन यहाँ पे आ रही है, ठीक है, जिसको आप स्ट्रीम कर सकते हैं। देन जस्ट आपको यहाँ पर गूगल ड्राइव लेटर पे क्लिक करना है और कोई भी एक लेटर जो आपके पास अवेलेबल हो वो यहाँ से असाइन कर देंगे। तो HR यहाँ पे IJKLMN यहाँ पे आना चालू हो गए हैं। तो सपोज के लेटर मैं चूज करता हूँ और यहाँ पर के लेटर चूज करने के बाद ड्राइव लेटर यहाँ पे आ गया, स्ट्रीम गूगल ड्राइव फाइल्स टू वर्चुअल ड्राइव ऑन योर कंप्यूटर। ठीक है, तो यानी कि आप अपनी गूगल ड्राइव फाइल्स अपने सिस्टम पर एज अ वर्चुअल ड्राइव आप यूज कर सकते हैं। तो जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप इसको सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये सेव करने के बाद आपको अपना सिस्टम रीस्टार्ट करना होगा। अभी मैं लेटर कर देता हूं क्योंकि मुझे एक बार जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो स्टॉप करनी पड़ेगी और आपको रीस्टार्ट करके बताता हूं। तो यहां पे मैं एक बार अपना सिस्टम रीस्टार्ट कर देता हूं। तो रीस्टार्ट करके हम अपने सिस्टम में वापस आ गए हैं। चलिए अब चलते हैं दिस पीसी में और देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारी ड्राइव है वो आई है या नहीं है। तो दिस पीसी में, ठीक है, दिस पीसी में जाने के बाद आप देख सकते हैं गूगल ड्राइव की जो एक अलग से ड्राइव यहाँ पे क्रिएट हो गई है, आप देख सकते हैं 15 GB जिसका टोटल स्पेस आ रहा है। ठीक है, और इसको ओपन करके आपकी ड्राइव यहाँ पे शो करेगी माई ड्राइव। माई ड्राइव में आपकी जो भी फाइल्स हैं वो यहाँ पे आपको शो कर रही हैं। आप देख सकते हैं जो भी मैंने क्विज वगैरह या फिर जो उसका भी रिज्यूमे वगैरह यहाँ पर है वो यहाँ पर शो कर रहा है, और यही फाइल्स अगर मैं अपनी गूगल ड्राइव में जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे शो करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, गूगल ड्राइव में और माई ड्राइव में आप देख सकते हैं ये रही वही सभी फाइल्स जो वहां पर आपको शो कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप एक वर्चुअल ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे ये ड्राइव आपको शो कर जाएगी और डायरेक्ट आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्ट अपनी ड्राइव आप यहां से एक्सेस कर सकते हैं। गाइस, इस तरीके से आप अपने पर्सनल गूगल ड्राइव को एक ड्राइव में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक फिजिकल लोकल ड्राइव में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि एक तरीके से वर्चुअल ड्राइव होगी जो जस्ट आपको नजर आएगी, जस्ट कनेक्ट होगी आपके गूगल ड्राइव अकाउंट से। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।